धन्यवाद आप सभी लोगों का आज यहाँ पे हंस फाउंडेशन द्वारा फ्री में आंख का ऑपरेशन किया गया, और अभी आप लोगों को यहाँ से गाड़ी परसों लेके गई थी और आज खुद आपके डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं। ये माता मंगला जी की कृपा है, सतपाल भोले महाराज जी की कृपा है जो गांव से पिकअप करके हॉस्पिटल में जाके आपका सब कुछ। तो आपको कैसा महसूस हुआ वहाँ पे जा करके? बहुत अच्छा हुआ। ये भाई रूप सिंह रावत जी किसमें मेहरबानी, इन्होंने बात की और एक कैंप लगा हमारे गांव में और इसका फायदा आप लोगों ने उठाया और उठाना भी चाहिए। और ये गाड़ी आप लोगों को देखो, इतनी बड़ी गाड़ी, जबकि इस रोड पे बहुत डेंजर रोड हो रही इस समय, और आपको घर तक गाड़ी 27 सीट गाड़ी पहली बार या दूसरी बार यहाँ पे आ रही है, तो मात्र मैक्स टैक्सी चलती इस रोड पे, और काफ़ी एक बहुत ही रिक्स लेकर के ड्राइवर भाई के में काबिले तारीफ है। इन लोगों ने भी हमें मना नहीं किया, तो घर तक इन्होंने बोला कि प्रधान जी जैसे भी हम गाड़ी आपके गांव तक पहुंचाएंगे। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हंस फाउंडेशन जी का, माता मंगला जी का, भाई रूप सिंह रावत जी का और समस्त आप सभी का जो आप लोग गए, आप लोगों को एक अपॉइंटमेंट मिला था, आप लोग गए, आप लोग ऑपरेशन करके आए, आपको जो बोलना है। धन्यवाद, वो खीरा भी देना आपको, जो भी आपकी घर की चीजें होंगी। ठीक है, वो ड्राइवर भाई साहब हूँ तो दीण जो आप लोग इतना बड़ा रिक्स लेकर रोड पे जाए, रोड पे गड्ढा गड्ढा हुए हैं, और एक रोड हम रिक्वेस्ट भी करना सतपाल महाराज जी देगढ़ कि वो ये रोड भी थोड़ा सा एक बार स्वीकृत कर दिया कि रोड बुरी स्थिति में आज डेट में हमारे गाँव के रोड बहुत ही दयनीय स्थिति में, कि रोड में चंद एक शर्मसार हुई हम लोगों को, इसलिए कि हम आप कैबिनेट मंत्री था तो आप अपनी चीज़ दिखनी थी, आप बहुत तारीफ थी, आप इतना सेवा करना चाहिए बूढ़े बूढ़े लोगों को कि जो गांव गांव जाकर आप कैंप लगाना चाह, खुद मेरे ग्राम सभा में 80 लोगों ने कैंप लगाया और 80 में 70 लोगों से चश्मा भी नहीं फ्री, एक चश्मा कॉस्ट मिनिमम निवेल तो 250-300 रेंज में थे, और आज इन लोगों को जो ऑपरेशन हुई कम से कम एक ऑपरेशन में अगर आप जेब में कोई खर्च करा तो 15-20-25 हज़ार रुपये आराम से लगल, और 2 दिन आप लोग एक मल्टीपल हॉस्पिटल में रहा, कोई आप कोई कमी रहा आप लोगों तो वहाँ धन्यवाद भोले महाराज जी का, और धन्यवाद मोदी जी का भी जो इस तरह से कैंप लगा रहे हैं गांव गांव में जा करके। आप सभी का धन्यवाद एक बार पुनः, ये आपके सबके गले में जय श्री राम का, जय श्री श्याम का पट्टा भी है, और आप लोगों को जैसे अभी देखा कि मिठाई 2-2 किलो लड्डू भी मिले हैं, कोलगेट ब्लूस भी मिला है, तो आपकी काफी सुविधाएं रही वहाँ पे, तो आप लोगों से प्रेरित होकर के जो लोग नहीं जा पाए उन लोगों को भी जाना। धन्यवाद दोस्तों, इस समय ये मेरी ग्राम सभा घूम ढांगू से 7 लोग गए थे जो आंख के ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे कैंप लगा था, तो कैंप के बाद इन 7 लोगों का चयन, 10 लोगों का चयन होता है कि आप लोगों को हमारे हंस फाउंडेशन चमोली शहर में आना है, तो ये 10 में से 7 लोग गए थे, 2 अखनूर के थे वो लोग आए नहीं थे, इसमें से 4 लोग घूम के थे, 6 लोग घूम के थे, 6 में से 4 गए थे और 1 भंडारू गए थे, टोटल 10 में से 6 लोग गए थे और 1 कोंदा के, कोंदा ग्राम सभा की थी, और अभी बस इनको छोड़ के कोंदा गई है। और आप लोगों को कैसा महसूस हुआ, ये हमारे दादा गोदाम सिंह जी हैं, गोदाम लाल जी, तो आपको क्या महसूस हुआ वहाँ पे जाकर के? बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे कोई कमी आप लोगों के, जैसे लोग भ्रमित करते हैं कि नहीं जाना है, क्या है ये है, इस तरह से आपको क्या लगा? और ये आप लोगों को खुशी की बात है कि भोले महाराज जी, माता मंगला जी ने मिठाई भी दी है, और ये आपके सबके गले में जय श्री राम का भी, तो आपको अब राम भक्त भी बनना होगा शायद, ये मोदी जी की कृपा है कि जो इस तरह के अभियान चला रहे हैं, गांव गांव जाकर के कैंप लगा रहे हैं, आपके गांव में भी ग्राम सभा में कम से कम 70-80 चश्मे बांटे उन लोगों ने, तो जो लगा कि जिसके ज़्यादा दिक्कत है उनको ऑपरेशन के लिए गाइडलाइन किया, फिर यहाँ उन्होंने फ्री सेवा में गाड़ी भेजी आपके द्वार पर और आपको फिर घर पर डिलीवर किया, और आपकी कैसी व्यवस्था रही वहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद भोले महाराज जी को और माता मंगला जी को जिन्होंने आज यहाँ पे हमारे गांव के चंद लोगों के आंख सुधार करके भेजा, जो लोग छूट गए हैं, ताकि उन लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपना काम करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, एक दूसरे के बहकाव में नहीं आना चाहिए। कई लोग भ्रमित कर देते हैं कि यार वहाँ पे ये चीज़ कर देंगे, वो चीज़ कर देंगे, आपको किसी की बातों में नहीं आना है, आपने खुद जमीनी स्तर पे देख लेगी आपके साथ कैसा रहा, आपके खान पान व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, अगर आप एक आँख ऑपरेशन करने के लिए खुद जाते तो आपकी जेब से मेरे ख्याल से 2 दिन आप रहे वहाँ पे तो 15-20 हज़ार लगते, ये आपके लिए फ्री सेवा है।
धन्यवाद एक बार पुनः आप समस्त टीम के और आप लोग आए, जिन लोगों के अभी भी रह गए हम कोशिश करेंगे उन लोगों को भी भेजेंगे और लगातार कोशिश करते हैं कि अच्छे से यहाँ पे काम हो। और धन्यवाद करता हूँ मैं रूप सिंह रावत जी को भी कि जिन्होंने यहाँ पे भोले महाराज जी से बात की और यहाँ पे कैंप लगाने की गुजारिश की, उन लोगों ने हमारी बात को अपर रखते हुए। और आज की डेट में आप लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, उन कार्डों को यूज करो। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार बार शुलिगी चोली श्रेणी के चक्कर न काटो, एक दिन गाड़ी करो और वहाँ पे जाओ, आराम से आपके 5 लाख का बीमा है। और आज वहाँ पे दादाजी आईसीयू में भर्ती हैं लेकिन उनकी बहुत अच्छी स्थिति है और अपना ट्रीटमेंट सही